हेलो 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 हाँ पर था जी じゃ、hmm? yes? हेलो 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 सबको नमस्कार है सर प्रणाम है सबको सर ढेर सारा प्यार है और आपका भी मेरे तक प्यार पहुंचे ऐसा उम्मीद करते हैं आइए हम लोग सर सीधी बात नो बकवास हम लोग सीधा बात करते हैं सर किस पर क्षारक के प्रकार पर किस पर बात करते हैं सर क्षारक के प्रकार पर क्षारक के प्रकार पर जल में विलयिता के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं एक प्रबल क्षारक एक दुर्बल छारक सांद्रता के आधार पर दो एक सांद्र एक तनु तो प्रबल क्षारक उसे कहते हैं जो जल में घुलकर तेजी से ओ एच माइनस देता तेजी से ओ एच माइनस देता उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं दुर्बल क्षारक उसे कहते हैं देता तेजी से या अधिक मात्रा में और अगर जल में घुलकर ओ OH एच माइनस देता धीरे से देता धीरे से इसे हम सर कहते हैं दुर्बल क्षारक सांद्र छारक किसको कहते हैं सर जिसमें ओ एच माइनस की संख्या यानी क्षार की संख्या अधिक हो उसे हम सांद्र यानी मोटा छारक कहेंगे और जिसमें क्षार की संख्या कम हो उसे हम सर पतला क्षारक कहेंगे तनु क्षारक कहेंगे एकदम सिंपल है जिसमें ओ एच माइनस की संख्या ज्यादा तेजी से देगा उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं जो एच माइनस की संख्या धीरे धीरे देगा उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं सांद्र क्षारक में सर छार की संख्या अधिक होगी तनु छारक में छाड़ की संख्या कम होगी अब आ जाइए सर यहां देखिए प्रबल क्षारक प्रबल क्षारक क्या है सर ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया विलय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक दुर्बल क्षारक क्या है सर ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं हो जाएगा आप चाहिए प्रबल क्षारक किसको कहते हैं और च... एक मिनट कहते हैं प्रबल क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया विलय होते हैं परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन Uh, उत्पन्न करते हैं प्रबल छारक कहलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल दुर्बल छारक ऐसे चारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पन्न करते हैं दुर्बल छारक कहलाते हैं एग्जाम्पल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि जो कम मात्रा में देगा हाइड्रोक्साइड आयन वो दुर्बल छारक जो अधिक मात्रा में देगा हाइड्रोक्साइड आयन वो प्रबल छारक अगला क्षारक के गुण प्रबल छार या दुर्बल छार पौधों को उठाकर लाना वगैरह वगैरह पौधों को उठाकर लाना अगर आप उठाकर लाते हैं उसमें प्रबल और दुर्बल दोनों चारक होते हैं सांद्र का मतलब हुआ सर अधिक अधिक मात्रा मात्रा में OH मात्रा में ओएच माइनस होगा वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है उसे हम सांद्र क्षारक कहते हैं उदाहरण सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि और जब कम मात्रा में छारक होगा तो उससे तनु कहेंगे पतला होगा कहते हैं वह जलीय विलियन जिसमें छारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु कहलाते हैं उदाहरण तो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि यह स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है यह स्वाद में कैसा तीखा होता है ऐसे भी सर छार है तो ऑब्वियसली तीखा होगा अम्ल होगा तो खट्टा होगा अब देखिए नेक्स्ट वन एस इसमें ध्यान दीजिएगा सर अगर हम क्षारक के गुण की बात करें तो ये हम आपको ऑलरेडी बता दिए थे इसका पीएच मान सात से अधिक होगा ये विद्युत के सुचालक होंगे ये लाल लिटमस पत्र को नीला करेंगे तब ना बेस रेड टू ब्लू करेगा या मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है फिनोक्न को गुलाबी कर देता है यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था अब आते हैं सर यहां मिट्टी की क्षारकता कभी कभी क्या होता है सर मिट्टी छारिया हो जाता है छारिया हो जाता है देखिएगा धान वगैरह जो होता है ना पीला हो जाता है धान के खेत में आप देखिएगा कभी कभी ना मिट्टी की क्षारकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि धान आपका पीला हो जाता है तो उस पीलेपन को उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं अगर आप जिप्सम डाल दीजिएगा तो जो आज पीला है कल वो हरा हो जाए क्यों क्योंकि ये जो जिप्सम है ये अम्ल है और अम्ल है जो मिट्टी है वो मिट्टी से अभिक्रिया करेगा मिट्टी से अभिक्रिया करेगा अर्थात छार से विक्रिया करेगा और अम्ल और छार जब अभिक्रिया कर जाते हैं सर तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है लवण और जल का निर्माण दे, कर देते अम्ल और छार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते उदासीनीकरण अभिक्रिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीन कर देते जैसे चीनी ज्यादा है तो चीनीपन को कम करना है तो नमक डाल देते हैं नमकपन को कम करना है तो चीनी डाल देते हैं ठीक है अब ध्यान दीजिएगा सर नमकपन को अगर कम करना है तो हम लोग चीनी डालते हैं नमकपन को अगर कम करना है तो हम लोग चीनी डालते हैं और चीनीपन को अगर कम करना है तो नमक डालते हैं अगर क्षारकता को कम करना है तो अम्ल डालना होगा और अम्लीयता को कम करना है तो क्षार डालना होगा ठीक है तो कहते हैं सर जब अम्ल में छार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता देखो ध्यान देना अगर हम चीनी में चीनी में पानी मिलाते हैं सॉरी नमक मिलाते हैं चीनी की अगर हम बात करें चीनी में अगर हम नमक मिलाते हैं अगर यह चीनीपन अधिक था अब अगर हम नमक इसमें मिला देंगे तो चीनीपन को कम कर देगा वैसे ही अगर अम्ल है और अम्ल में छार मिला देते हैं अम्लीयता को कम कर देगा अच्छार अगर ज्यादा है उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला देंगे तो क्षारियता को कम कर देगा जैसे नमक ज्यादा है चीनी मिला देंगे तो नमकीनपन कम हो जाएगा चीनी ज्यादा है नमक मिला देंगे चीनीपन कम हो जाएगा है? अगर मीठा ज्यादा है थोड़ा नमक डाल दो मीठापन कम हो जाएगा अम्लीय ज्यादा है उसमें थोड़ा छार मिला दो अम्लीयता का गुण कम हो जाएगा चीनी ज्यादा है उसमें थोड़ा नमक मिला दो चीनीपन कम हो जाएगा वही बात तो यहां है कहता है जिप्सम का फॉर्मूला भी सर ध्यान में रखना कहता है जब अम्ल में छार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घट जाती है तथा मान बढ़ जाता है ध्यान देना जब अम्ल में छार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घट जाती है तथा पीएच मान बढ़ जाता है तथा क्षारियता बढ़ जाती है तथा उल्टा होने पर उल्टा होगा देखो अम्ल में छार मिलाते हैं नहीं समझ में आएगा फिर से समझो अम्ल में छार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घटेगी जैसे चीनी में चीनी में नमक मिला देंगे तो चीनीपन घटेगा चीनीपन घटेगा चीनी में नमक मिला देंगे तो चीनीपन घटेगा तथा बढ़ जाएगा क्योंकि जब अमलियता घटेगा तो तुम ध्यान देना बड़ा झोल है चलाए क्रम देखो तो जीगा एकदम आराम एक से <laughs> अगर ये पीएच सात है ये छह है ये पांच है चार है तीन है दो है इधर आओगे आठ है नौ है दस है ग्यारह है अगर हम सात से इधर आते हैं अम्लीयता बढ़ता है अम्लीय होता है सात से इधर जाते हैं क्षारियता बढ़ता है ठीक है अब देखो अगर हम सात से कम होगा तो हम कहेंगे अमलियता बढ़ता है जो जो इधर जाएंगे कह देंगे अमलिया बढ़ता है जो जो इधर जाएंगे कहेंगे क्षारियता बढ़ता है तो ध्यान देना तुम पीएच का मान ध्यान देना चला अगर हम पीएच के मान की बात करें तो जो जो पीएच का मान घटेगा अमलियता बढ़ती है जो जो पीएच का मान घटेगा अमलियता बढ़ती है जो जो पीएच का मान बढ़ेगा क्षारियता बढ़ती है उल्टा होता है पीएच जो जो घटे त्यों त्यों अम्लीयता बढ़ जाती है यानी पीएच अगर दो पीएच अगर पांच है यह अधिक अम्लीय है जबकि पीएच मान कम है और यह कम अम्लीय है कम अम्लीय है जबकि पीएच मान ज्यादा है लेकिन अगर क्षारियता की बात करोगे तो अगर पीएच का मान आठ है अब पीएच का मान दस है यह कम क्षारिय है यह अधिक क्षारिय है ध्यान देना अगर पीएच का मान दो या पीएच का मान पांच की बात करें पीएच का मान दो है तो यह अधिक कम लिया है पीएच का मान पांच है तो ये कम अम्लीय है यानी जितना ज्यादा पीएच है <Walking> <facial> जितना ज्यादा पीएच है उतना कम अम्लीय है और जितना कम पीएच है उतना अधिक अम्लीय है और जितना ज्यादा पीएच है उतना अधिक क्षारीय है जितना कम पीएच है उतना कम छिय नहीं कौन सा एकदम आराम से चला जो, जो पीएच का मान हां हां हा हा जो जो पीएच का मान घटेगा शौर्य कुमार जी जो जो पीएच का मान घटेगा ध्यान देना चला जो जो पीएच का मान घटेगा अम्लीयता बढ़ेगा यानी कॉमे पीएच वाला काम लिया था ज्यादा और ज्यादा पीएच वाला काम लिया था कम इन क्षारियता में ऐसा नहीं होता जो जो पीएच का मन बढ़ेगा क्षारियता अधिक कम रहेगा तो क्षारियता कम इसमें उल्टा होता है रहेगा तो अधिक अधिक रहेगा तो कम उम्मीद करते हैं तनियो ठो घुसा होगा तो हम कहते हैं सर अगर अम्लीयता को दूर करना है तो क्षार मिलाते हैं जैसे ही छार मिलाते हैं अम्लीयता कम होता है अगर अम्लीयता कम होता है अम्लीयता कम होता है इसका मतलब पीएच का मान अधिक होता है इस साधारण दिमाग ग्रुप डी वाला दिमाग अगर होगा तो नहीं बुझाएगा तब सीधा बुझो कि सात से कम अम्लीय सात से अधिक छारी है एनटीपीसी वाला दिमाग है तो बुझा जाएगा देखो हमने कहा कि अगर अम्लीय है इसमें छार मिला देते हैं अम्लीय है इसमें छार मिलाते हैं अम्लीय है अम्लीय है इसमें छार मिलाते हैं तो अम्लीयता घटेगा और अम्लीयता जब घटता है कम अम्लीय तो पीएच का मान अधिक होता है लग गया था दो तीन साल बुझने में देखो अगर हम क्षार की मात्रा अधिक है इसको कम करने के लिए हम अम्ल मिलाते हैं तो चारियता घटेगा क्षारियता घटता जब यह क्षारियता घटता तो क्षारियता कम कब होगा जब पीएच मान कम हो इसका मतलब पीएच घटता गेट द आंसर कहते हैं ध्यान दीजिएगा सर एकदम आराम से जब अम्ल में छार मिलाते हैं जब अम्ल में छार मिलाते हैं देखो अम्ल है इसमें छार मिलाएंगे अम्लीयता घटेगा तो उसकी अम्लीयता घट जाती है तथा पीएच मान बढ़ जाता है अम्लीयता जब यह घटेगा मान बढ़ गया तथा उल्टा होने पर उल्टा होगा मतलब क्षार में जब अम्ल मिलाएंगे तो उल्टा हो जाएगा द नेक्स्ट वन इज कुछ क्षारकों के उपयोग हैं जो तुमको याद रखने हैं इसका कोई उपाय नहीं है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसमें क्या क्या याद रखना है एक साबुन बनाने में अपमार्जक के निर्माण में पेट्रोलियम शोधन में ये तीन गो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में भी करते हैं ये सब लेकिन नहीं पूछेगा विरंजक चुर्णी भी नहीं पूछेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एमजी टू इसके जलीय विलयन का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है है इसको हाईलाइट करो इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं कैल्शियम है। हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना है कीटाणुनाशक सीमेंट कागज उच्च श्रेणी इस्पात कास्टिक सोडा निर्माण में न मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के ओ एच कास्टिक पोटाश बैटरी सबने पूछेगा अगला में आ जाओ। अब ध्यान देना अगर आप चाहते हैं कि दूध मेरा जल्दी नहीं फटे थोड़ा देर से फटे तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिला सोडा मिला देते दैट इज बेकिंग सोडा अगर बेकिंग सोडा के जलीय विलयन ध्यान दीजिएगा सर दूध को दूर से नहीं देर से देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारिय होता है जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तथा CUSO4 का जलीय विलयन अम्लीय होता है खाली एक लाइन याद रखना बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारिय होता है लेकिन सर अभी नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा पूछने के लिए अब कुछ भी पूछ रहा है सर आपको यह याद रखना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का जो हमने डाला है कहेगा तुमको कॉपर सल्फेट जब लिटमस पत्र पर डालेंगे तो क्या होगा तो जब हम जान रहे इसका जलिया विलियन अम्लीय होता है अम्लीय होता है तो यह नीले लिटमस को लाल कर देगा तुमको सोचना होगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि सीएसओ फोर के जलिया विलियन को जब लिटमस पत्र पर डालते हैं तो क्या होता है फोर के जलीय विलियन को जब लिटमस पत्र पर डालते हैं तो क्या होता है ध्यान देना सीयूएसओ फोर के विलियन को जब लिटमस पत्र पर डालते हैं तो क्या होगा तो हम कहेंगे जब सीयूएसओ फोर के जलीय विलियन को जब लिटमस पत्र पर डालते हैं तो यह चूंकि अम्लीय है होता है कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है यह अम्लीय होता है इसको जब आप लिटमस पत्र पर डालिएगा तो यह नीले को लाल कर देगा क्योंकि तो आप जानते हैं आर एसिड ब्लू टू रेड कर देता है ठीक है अब एनएचसी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा पावरोटी में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है फुलाने के लिए सर ये भी खूब पूछता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका एक और क्वेश्चन देखिए जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सी एस फोर इंटू हाफ एस टू ओ का निर्माण होता है जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर सौ बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है फॉर्मूला इसका पूछता है सीएसओ फोर इंटू हाफ एस टू नेक्स्ट पीएच स्केल नाम तो सुना ही होगा सर जितना बोले उतने पीछे याद करना वरना धुन रट्टा मत मारने लगना। ध्यान देना यही हम तुमको बता रहे थे सर ये जो पीएच स्केल है बारे में बताता है जब सात से कम होगा तो अमलिया सात से अधिक होगा तो ये चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है इसे एकदम आराम से देखना कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी ठीक है सात से कम होगा तो अमली सात से अधिक होगा तो छारियन मामला है यही है पीएच स्केल अब ध्यान देना पीएच स्केल अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है पीएच स्केल किसको बताता है अम्लीयता और छारियता को बताता है अगर सात से कम होगा तो अम्लीय होगा सात से अधिक होगा तो छारिया होगा सात से कम होगा तो अमलिया होगा सात से अधिक होगा तो छारिया होगा ठीक है इसकी खोज सोरेन्सन ने किया था उन्नीस ईस्वी में कितना ईस्वी में चा ने किया उन्नीस सौ नौ ईस्वी में अब देखो ये क्या है कहते हैं किसी विलियन की तथा द्वारा मापा जाता है जिसकी खोज उन्नीस सौ नौ ईस्वी में सोरेन्सन ने किया था। अगर सात से कम होगा तो अम्लीय होगा सात से अधिक होगा तो क्षारीय होगा सात होगा तो से कम तो अम्लीय सात से अधिक तो क्षारीय सात होगा तो उदासीन क्लियर अब देखो लिस्ट है कुछ कुछ जो तुमको याद करना चाहिए तुम कह रहे मास्टर जब इतना करेंगे सब किताब में लिखल है हम तुमको जो जो बोलते हैं वही वही याद रखना सिरका या नींबू का रस संतरे का रस बियर टमाटर ब्लैक कॉफी अम्ल वर्षा सामान्य वर्षा दूध लार शुद्ध जल मानव मूत्र समुद्री जल टॉप हम सर इसमें अन इम्पोर्टेंट देवे नहीं किए हैं अब नया नया क्वेश्चन पूछता है हम जूठे काट देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा हुआ है चौदह हमारा कट के की करेंगे इतना याद रखना है अब डायरेक्ट पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना हम जूठे सेलेक्ट कर देंगे सेलेक्ट करने वाला कुछ है नहीं मेरा याद रखना होगा तो सर कोई उपाय नहीं कभी कभी पढ़ क्योंकि बाद में तुम लोग करिए आएगा ना अब क्वेश्चन का लेवल हो गया है आप हम कहेंगे खाली नींबू पूछता है आप पूछ देगा सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड सा मास्टर वाह गड़बड़ा देगा तुम लोग आई पीएच हम तुमको ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं सर पीएच एक मिनट चला होल्ड डाउन दो जगह चल गया है पीएच देखो चला पीएच तुमको ऑलरेडी हम विलियन चैप्टर जो अगर किया होगा तुम लोग क्लास तो विलियन का लास्ट क्लास उठा के देख लेना वहां तुमको ये पीएच कंप्लीट मिल जाएगा पीएच क्या है सर ये संख्यात्मक मान है जो किसी विलियन के एक लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के का होता है पीएच बराबर वन बाय लॉग एच प्लस ही तुमको हम पढ़ाए हैं पीएच का मान देखो क्या क्या है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के लिए सर इसका लिस्ट की पीएच मान विलयन की प्रकृति पदार्थ और पीएच मान ये सर अलग अलग है जीरो पॉइंट थ्री जीरो से थ्री पॉइंट फाइव अम्ल है थ्री पॉइंट फाइव सेवन होगा तो दुर्बल अम्ल है सात होगा तो उदासीन होगा ये सब जानता है से अधिक और दस दशमलव सात से दुर्बल छाड़ दस दशमलव पांच या अधिक इसको हम प्रबल छाल कहते हैं ये हो जाएगा यहां पर दस दशमलव पांच से कम ये लाइन यहां नहीं होगा एक ही लाइन से सर दुर्बल छा ये लाइन यहां से आता है यानी सात से अधिक और दसमलव सात से कम ये हो जाएगा दुर्बल छार दस दशमलव पांच से अधिक प्रबल छार ठीक है ई सर मामला ये बांटा हुआ है उसके बाद कुछ कुछ है पदार्थ और उसके पीएच मान जो पूछता है उसका हम लिस्ट बना दिए हैं क्योंकि खूब पूछता है सांद्र अच्छी का जीरो होता है असुज जल का सात होता है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का चौदह होता है सर नया टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा है इसको जरूर हाईलाइट करना देखो तुमको अगर इस समझने में दिक्कत होता है तो 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 तो, तो, तो किधर गया इसका रेंज है अगर जीरो टू तीन दशमलव पांच होगा इसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल जैसे तीन दशमलव पांच से सात जाएगा इसको कहते हैं दुर्बल अम्ल और जैसे सात से दस दशमलव सात जाएगा इसको कहते हैं प्रबल क्षार और जैसे दस दसमलव सात से अधिक जाएगा दुर्बल क्षार जीरो से तीन सौलो पांच प्रबल अम्ल तीन सौ पांच से सात दुर्बल अम्ल सात से दस दशमलव सात प्रबल क्षार दस दशमलव सात से अधिक होगा दुर्बल क्षार सर जो जो इधर जाते हैं सर अम्लियता बढ़ता ना है तो इधर वाले का प्रबल अमल हो जाएगा दुर्बल अमल हो जाएगा इधर जाते हैं बढ़ता है ये हो जाएगा प्रबल क्षार प्रबल क्षार नहीं दुर्बल क्षार हो जाएगा कम न है तो कम है तो ये हो जाएगा दुर्बल आज जब एकरा से अधिक होगा तो ये हो जाएगा प्रबल क्षार ध्यान देना जो जो हम इधर जाते हैं अम्लीयता बढ़ता है तो इधर वाला होगा प्रबलम ये हो जाएगा दुर्बलम जो जो इधर जाते हैं क्षारियता बढ़ता है इधर वाला हो जाएगा प्रबल क्षार ये हो जाएगा दुर्बल क्षार यानी अगर जीरो से तीन सौ लो पांच प्रबलम तीन दशमलव पांच से सात दुर्बल सात से दस दसमलव सात हो जाएगा दुर्बल क्षार और दस दशमलव सात से अधिक हो जाएगा प्रबल क्षार क्लियर अब ध्यान देना चला ये रेंज है हमने तुमको क्या कहा जो जो इधर से इधर आएंगे एकदम आराम से पढ़ो चला कहीं कोई अब दो चैप्टर ने बचा है अम्लियता बढ़ता इधर जाएंगे चारियता बढ़ता चारियता बढ़ता इसीलिए ये प्रबल अम्ल है ये दुर्बल अम्ल इधर क्षारियता बढ़ता तो इधर वाला हो जाएगा प्रबल छार ये हो जाएगा दुर्बल क्षार इसके लिए दिमाग चाहिए ग्रुप डी वाला दिमाग हमारा गरिया सकता है नहीं दिमाग का लेवल अप रखो ठीक ना हम फिर रिवाइज कर देंगे शुरू से एकदम टेंशन तो है लेकिन सर थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो सर खाली गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून करने से नहीं होगा दिमाग भी कंसेंट्रेट करो सर हमने कहा जीरो टू तीन दशमलव पांच प्रबल तीन दशमलव पांच से सात के बीच दुर्बल लंबे सात से उदासीन सात से अधिक दशमलव सात तक दुर्बल छाड़ और दसमलव सात पांच से अधिक होगा तो प्रबल छाड़ आई सर आपको याद रखना है कुछ कुछ का पूछ देता है आजकल की पूछ रहा है पते नहीं चल रहा है हाइपो क्या है नाम सुना है सर सोडियम थायोसल्फेट का देखो सोडियम थायोसल्फेट एन ए टू एस टू ओ थ्री सोडियम थायोसल्फेट। इसका उपयोग हम लोग पहले देखता था वो जो कहता था कैमरा का रील साफ करवाने जा रहे हैं निगेटिव साफ करवाने जा रहे हैं सुना है कि नहीं पहले कहता निगेटिव साफ करवाने जा रहे हैं गिन गिन के फोटो खींचता था अस्सी को हो गया रील खत्म जो निगेटिव धुलवाने जाता था वो किससे धुलता था सोडियम एन एस टू एस टू ओ थ्री से रील को धोया जाता था इसका काम है सर फोटोग्राफी में निगेटिव से पॉजिटिव बनाना यानी निगेटिव को धो के पॉजिटिव बनाना यानी फोटो बनाना सर गौर फरमाइएगा पूछता है कहते हैं हाइपो इसका रासायनिक नाम सोडियम है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव व फोटो दोनों में किया जाता है या निगेटिव में से पॉजिटिव बनाने में किया जाता अब ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाना है सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बनाना तनु तनु समझते हैं सर पतला सल्फ्यूरिक एसिड है हम चाहते हैं पतला हो जाए पतला हो जाए तो सर पानी है ये पानी है और ये अम्ल है पानी में अम्ल मिलाते हैं ध्यान दीजिएगा सर ये जो सल्फ पानी में अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड को यानी एस को अगर आपको पतला करना है तो लोग कहेगा इसी में पानी मिला दो पतला हो जाएगा नहीं अम्ल में पानी नहीं मिलाते हैं आप कहेगा ऐसा क्यों रे मास्टर हुआ क्योंकि पानी की विशिष्ट उषमा उच्च होती है बाय पानी की विशिष्ट उष्मा आज से सर आपका करंट अफेयर्स आने वाला है विशिष्ट उष्मा उच्च होती है नंबर है क्या उनका ध्यान देना चला आज से करंट अफेयर्स का फ्री क्लास तुमको नौ से दस में लाइव मिलेगा ऑन एसके जाय यूट्यूब चैनल एट नाइट रात में करंट अफेयर्स का मजा लीजिए सर और खूब मन लगा पढ़िए कहते हैं ध्यान दीजिएगा सर एकदम तो आराम से कहते हैं सर अम्ल दैट इज एस टू एसओ फोर इसको पतला करना है तो पतला करना लोग कहेगा इसमें पानी डालना दो नहीं आग लग जाएगा क्योंकि सबसे तीव्र अभिक्रिया ही करता है यो पूछा है सर एनटीपी सिंह H2SO4 जल से विक्रिया कर निम्न में से कौन तीव्रतम अभिक्रिया है तो कहेंगे H2SO4 जब जल से विक्रिया करेगा चूना जब जल से अभिक्रिया करेगा यह भी तीव्र है इसमें सर क्या करते हैं ये अम्ल को पानी में डालते हैं यानी पानी में अम्ल डालते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है यह आग नहीं लगने देगा पानी की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है उच्च होती है यह आग नहीं लगने देगा अब ध्यान दीजिएगा सर कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु तनु मतलब सर पतला सांद्र मतलब मोटा बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है ना कि अम्ल में पानी क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा उच्च अधिक होती है जिससे मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है जल्दी से सर आग नहीं पकड़ेगा कहीं अम्ल में डाल दिया तुम पानी भयानक आग पकड़ ले। लेकिन पानी में डाल देगा अम्ल आग नहीं पकड़ेगा इसमें लड़का बड़ा कोको कोको -को करेगा उसका पूछाता नहीं है लेकिन कोको कोको करेगा मास्टर गलती पढ़ा दिया अरे दुष्ट कहा जाता है हम लोग बैटरी भी पढ़ाते हैं सर बैटरी में कहा जाता है पहले आप पानी डालिए एक नंबर आ दो नंबर काम कीजिए तब हमले डालिए आ तो आग लग जाएगा ये दो नंबर काम है आपका पानी डाल दीजिए तब हमले डालिए नहीं बुझे पानी डाल दीजिए अब तब अमलवार डालिए ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़ यानी पानी में अमल को डालते हैं नहीं तो सर आग पकड़ लेगा बब बब बचेला एकदम आराम से रुक जा चला फोटो भेजनी है व्हाट्सएप एच टू एस ओ फोर कौन सर एच टू एस ओ फोर को अगर पतला करना है तो पहले जल डालेंगे और जल में सर अम्ल डालते हैं बैटरी में भी यही करते हैं पहले सर जल डाल दीजिए उसके बाद उसमें एसिड डालते हैं उससे क्या होता है सर आग नहीं लगता है करंट अफेयर सर को बोल दीजिए कि बजे क्लास है आज आज से कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल डाल, मिलाया जाता है ना कि आ, अम्ल में पानी क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है जिससे मिश्रण का ताप अधिक हो जाता है धवन सोडा कुछ कुछ चीजें हैं सर इस चैप्टर में जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी उसका कोई उपाय नहीं फलना चीज का उपयोग चिल्ला जगह पर करते हैं तो करते हैं अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में करते हैं तो इसका मतलब करते हैं कोई उपाय नहीं है कहते हैं धवन सोडा एन जलीय सोडियम हाँ, कार्बोनेट भी कहते हैं सिंदूर पीवी थ्री ओ फोर को ट्राइप्लम्बिक ट्रा भी कहते हैं पौधों में अच्छी वृद्धि के लिए पीएच का मान सात के आसपास होना चाहिए ये भी पूछता है तुमको ध्यान में रखना होगा पौधों में अच्छी वृद्धि के लिए तुमको क्या करना होगा सर? पीएच मान कितना होना चाहिए? अप्रोक्स सात के आसपास होना चाहिए सात से अधिक नहीं होना चाहिए अम्ल में पानी के पानी में अमल तो तुम याद करना पानी डालते हैं पहले बैटरी में पानी में तब अमल डालते हैं पानी में अम्ल डालेंगे पानी में अम्ल डालेंगे अब देखो देखे बफर विलियन बफर विलियन क्या है अभी तक हमने आपको पढ़ाया था कि अम्ल डाल देंगे तो अम्लियता का गुण आ जाएगा छार डाल देंगे तो छारियता का गुण आ जाएगा लेकिन एक ऐसा विलियन ये एक ऐसा विलियन सर जिसमें अगर थोड़ा सा अम्ल और थोड़ा सा छार मिला देने पर इस सॉल्यूशन के अम्लियता और क्षारीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा जैसे इतना हमारे बाल है हमें दुगो बाल आएगा कि नहीं आइए जाएगा तो हमारे बाल पर की असर पड़ जाए बाल हुआ बफर बाल अच्छा चलिए जाएगा तो उखाड़ लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसमें हम थोड़ा अम्ल आ भी जाए या थोड़ा छार आ भी जाए थोड़ा छार आ भी जाए इस विलियन की अम्लियता और छारियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो गुरु जी कहेंगे कि वह विलियन बफर विलियन ध्यान देना वैसा विलियन जिसमें थोड़ी सी अम्ल की मात्रा या थोड़ी सी क्षार की मात्रा अगर हम मिला देते हैं उसकी अम्लियता और क्षारियता पर कोई असर नहीं पड़ता है वैसे विलियन को हम बफर विलियन हैं अगर असर पड़ जाएगा मान लो थोड़ा अम्ल मिला दिया अम्लियता का गुना गया ये बफर विलियन नहीं ठीक है आते हैं ध्यान दीजिएगा सर बफर विलियन ऐसा विलियन जिसमें किसी अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर अपनी अम्लता या क्षारकता में बिना किसी विशेष परिवर्तन किए उसे अवशोषित कर लेता है कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता वो अम्लियता और क्षारियता में उसे हम सर बफर विलियन कहते हैं कहता है एसिटिक अम्ल सोडियम एसिटेट एसिटी सोडियम एसिटी एसिडिक या सोडियम एसिटेट भी कह सकता है का ये ये सर आपको एग्जाम्पल नहीं पूछता इसलिए इस घबराने की जरूरत नहीं है अब आते हैं चला हम बोले वैसा विलियन जिसमें थोड़ी सी अम्लीय या थोड़ी सी छार मिला देने पर अम्लीयता और छारियता में कोई असर नहीं पड़ेगा उसे हम बफर विलियन का अब कहता सर लवन लवन क्या है लवन होता है सर जब अम्ल और क्षार मिलता है ना तो लवण और जल का निर्माण करता है जब अम्ल और छार मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है एग्जाम्पल जब एच सी एल अम्ल है चूंकि इसमें एच है एन एच छो ये बना देगा सर एन ए सी एल प्लस एच टू ध्यान दीजिएगा जब अम्ल और छार मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है यही इसी से अब कहेगा लवण कैसे बनता है कहेंगे जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर उदासी Udash... जब अम्ल और छार मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है एच सी एल प्लस एन एच एन ए सी एल प्लस एच का निर्माण करता है इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ध्यान दीजिएगा सर कभी कभी यह पूछ देता है ये एच सी एल क्या है ये प्रबल अम्ल है प्रबल अम्ल है कभी कभी ने बहुते पूछा है ये प्रबल छार है तुमको पूछेगा खाने वाला जो नमक होता है एनए खाने वाला जो नमक होता है NaCl ये यह किससे किससे मिलकर बना होता है यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है प्रबल अम्ल और प्रबल से या नहीं तो कहेगा बताओ अगर खाने वाला जो नमक होता है उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तत्व है तो दूसरा कौन होगा तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेगा वह कैसा होगा तो कहेंगे प्रबल अम्ल ई कैसा होगा तो कहेंगे प्रबल क्षार ठीक है एक कहेगा एच सी एल है तो बताओ दूसरा क्या होगा कहेंगे कहेगा वो कैसा है तो कहेंगे प्रबल चार, प्रबल यानी अम्ल और प्रबल छार जब अभिक्रिया करता है तब तो सर नमक बनता है खाने वाला नमक एन और एच बनता है ध्यान देना जब अम्ल तथा तो छार अभिक्रिया करते हैं तो लवन उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाता है अम्ल प्लस छार बराबर लवन प्लस जल यानी एच सी एल

कुछ भी डाल दो अगर वो नीले को लाल कर देता है समझना एसिड है अगर लाल को नीला कर देता है समझना छार है इसका मतलब लिटमस पेपर से करते हैं सर फिनोलीन हम बोले थे बोलेन क्या करता है अम्ल और छार के साथ पीछे बताए हैं मिथाइल ऑरेंज भी बताए हैं सर छार में अम्ल में भी ये तीन कंपोनेंट है जो अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पता करवाता है कि कोई भी चीज अम्ल है कि क्षार है ठीक है द नेक्स्ट वन इज लवण के कुछ कुछ गुण हैं सर जो कि आपको याद करने हों अगर कोई उपाय नहीं देखो चला एकदम आराम से हम तोरा एगो जुगाड़ बताते हैं हम तो लवण के गुण ऑलरेडी बता चुके हैं कुछ कुछ एनए याद है इसमें आयनिक बंधन होता है आयनिक बंधन होता है एनएसीएल में कौन बंधन होता है एनएसीएल में चला आयनिक बंधन होता है एनएसीएल में कौन बंधन होता है आयनिक बंधन और याद करो हम तुमको बताए थे आयनिक बंधन ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक या कुचालक नमक जो है ठोस अवस्था में करंट लगेगा आद्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक क्योंकि द्रव अवस्था में ये टूट के एनए प्लस और सीएल माइनस बन जाता है याद है ठोस अवस्था में होगा कुचालक आद्रव अवस्था में होगा कुचालक ठोस अवस्था में कुचालक द्रव अवस्था में सुचालक ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में, में, में क्या सुचालक होता है जब इसको पानी में डाल दोगे ना भयानक सुचालक हो जाएगा और इस सर जल में घुलनशील, जल में घुलनशील और कार्बनिक घोलक जैसे अल्कोहल वगैरह होगा तो अघुलनशील कार्बनिक घोलक में अघुलनशील यह जल में घुलनशील होता है और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है कार्बनिक घोलक में क्या होता है अघुलनशील होता है जबकि जल में क्या होता है घुलनशील होता है ठीक है अब ध्यान दीजिएगा जल में घुलनशील और कार्बनिक घोलक में क्या और घुलनशील होता है पीछे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं और यह भी बताए थे कि नमक जो है तुम इसको खोला जल्दी खोलेगा नहीं इसका क्वनाक और गलनांक एकदम उच्च होता है याद करो भैया इसके क्वनांक और गलनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं हम तुमको पढ़ाए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं नहीं पढ़ाया तो जाएगा गड़बड़ी में कहते हैं यह प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं इसका गलनांक और कोथनाक उच्च होता है यह प्राय जल में घुलनशील होते हैं इसका जलीय विलियन विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि द्रव अवस्था में आएगा सुचालक होगा इसका यह आयनिक यौगिक है तब न एन प्लस और सीएल माइनस में टूटता है एनएच फोर सी अमोनियम क्लोराइड एनएच फोर प्लस और सीएल माइनस में टूट जाता है यह जो अमोनियम क्लोराइड नाम का लवन है यह टूट जाता है आयन में एनएच फोर प्लस और सीएल माइनस में या एनएच होगा तो एन ए प्लस और सीएल माइनस में अब ध्यान दें। अब लवण के प्रकार हैं। लवण सर देखो जादव जी के मोहल्ला जाओगे तो जादव जी की संख्या ज्यादा होगी और झा जी के मोहल्ला जाओगे झा जी की संख्या ज्यादा होगी जे ज्यादा होगा उसका गुण रहेगा वहां महतो जी के मोहल्ला जाओगे तो महतो जी की संख्या ज्यादा होगी जकर मोहल्ला जाओगे ओकर संख्या ज्यादा होगी ओकरा वोकर पे हावी होगा अब कुम्हार के टोला में जाओगे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कल छपने जा रहा है परसों वितरित होगा आप तरसों से आपको सर मिलना चाहिए लेकिन हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सर दुकानों पे कृपया भ्रमण ना करें सर बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए सर टाइम लगता है ये हमारा पास ऐसा थोड़े ओगर मेट्रियलोग्राम डालिए एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस होगा वो भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ जो आपको सर एक सही दिशा और एक सही मार्गदर्शन करेंगे गौर फरमाइएगा सर उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे यहां कोई बात नहीं करेगा यहां गौर फरमाएंगे सर इधर अगर मैं कहूं प्रबल अम्ल रहे यानी यादव जी भी प्रबल है अब प्रबल छार रहे यानी झाजी भी प्रबल है तब यह उदासीन हो जाएगा तब मार नहीं होगा तब सामान्य लवण होगा तब जो लवन बनेगा चूंकि अम्ल और क्षार अभी क्रिया करता है लवन और जल बनता है तब जो लवन बनेगा रुक जो अगर प्रबल अम्ल आप प्रबल क्षार यानी सर बीजेपी भी प्रबल है आरजेडी भी प्रबल है तो की हो जाएगा न्यूट्रल रहेगा कोई ककरो से नहीं उलझेगा तब क्या होगा सर सामान्य लवण अब प्लस एच टू ओ प्लस एच टू ओ और मान लो कि प्रबल अम्ल रहे यानी बीजेपी प्रबल रहे और आरजेडी दुर्बल हो जाए दुर्बल छार हो तो क्या होगा बीजेपी के प्रबलता है तो सामान्य लवण नहीं बनेगा ये अम्ल प्रबल है ना तो ये अम्लीय लवण बन जाएगा प्लस चल क्योंकि अम्ल प्रबल है इसलिए अम्लीय लवण बनेगा और जब दुर्बल अम्ल रहे जब दुर्बल अम्ल रहे अब प्लस प्रबल छार रहे यानी आरजेडी प्रबल रहे तो क्या होगा आरजेडी का गुण आएगा यानी ये क्षारीय लवन बनेगा प्लस एस टू देखो बीजेपी भी प्रबल कांग्रेस भी प्रबल तो सामान्य हो जाएगा राजस्थान अगर हम कहते हैं प्रबल अमली यानी बीजेपी प्रबल हो कांग्रेस दुर्बल हो तो बीजेपी का गुण आएगा इस लवण में अम्लीय लवण हो जाएगा यहाँ बीजेपी दुर्बल है और कांग्रेस प्रबल है तो छार प्रबल है तो छार का गुण आएगा दट इज छवन प्लस चल। जो प्रबल होगा उसका गुण आएगा अगर दोनों अगर प्रबल है नॉर्मल रहेगा कभी झगड़ा झंटी नहीं होगा एगो प्रबल एवो दुर्बल होगा तो प्रबल मार देगा और गुण आ जाएगा अब दे। देखो अम्लीय लवण कहते लवण के प्रकार पहला है सामान्य लवन प्रबल अम्ल अब प्रबल छार को मिलाने पर सामान्य लवन प्राप्त होता है इससे हाइड्रोजन परमाणु पूर्णता स्थानांतरित होता है जैसे एन ए सी एल के सी एल एन एसओ फोर सी एसओ फोर एच सी एल जब एन एच क्रिया करता बनाता है यहां देखिए एन एस सी एल क्या है ये सामान्य लवन है ये भी ध्यान रखना पूछता है अम्लीय लवण अम्लीय लवण में अम्ली क्या होगा प्रबल अम्ल होगा प्रबल अम्ल और दुर्बल छार के संयोग से अम्लीय लवण बनता है जैसे एन HCl फोर ओ एच प्लस एच सी एल या NH4Cl H2O फोर सी एल प्लस एच टू एग्जाम्पल नहीं पूछता है खाली आप ध्यान रखेंगे कि कौन क्या कर रहा है छारिय लवण दुर्बल अम्ल चारियन है अब प्रबल छार को मिलाने से छार्य लवण प्राप्त होता है एन ए टू सीओ थ्री सीयू सीओ थ्री ऑल टू एस टू सीओ थ्री एन ए टू सीओ थ्री जब बनाता अब क्या है? है, देखो, एगो है, एगो है, है दो भाग में होगा उसको सरम कहते इसमें भी देखो एगो ई है एगो है, दो भाग में है, है। दो सरल लवनों के विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवन द्विक लवन कहलाता है इसका खाली फॉर्मुला याद रखो पोटासम या फिटकरी का पर मोहर लवन का फॉर्मूला सर पूछता है पोटेशियम या फिटकरी का केवल एक वो जरूर याद रखो तो मामला बन जाएगा ठीक है फिर से समझा देते हैं हम सर अगर मैं कहूं अगर हम कहते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल छार होगा तो ये सामान्य लवन बनाएगा और अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल छार है अम्लीय लवन बनाएगा क्योंकि अम्ल प्रबल है और अगर क्षार प्रबल है और दुर्बल है अम्ल तो यह लवन बनाएगा अगर दो भाग में है तो द्विक लवण बनाएगा दो भाग में है तो क्या बनाएगा द्वीक लवण बनाएगा प्रबल अम्ल। अम्लीय लवन प्रबल तो सामान्य लवन दो होगा तो द्वीप लवन की करना है का खोज कौन किया सोरेन्सन सात से कम तो अम्लीय सात से अधिक तो छारिया सात से जितना अधिक कम जाएगा अम्लीयता बढ़ेगा सात से जितना अधिक जाएगा छारियता बढ़ेगा और सात रहेगा तो उदासीन होगा सात रहेगा तो क्या होगा उदासीन होगा <laughs> 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 अब देखो आज की कार्रवाई यहीं तक रखे सात से कम होगा तो अम्लीय सात से अधिक होगा छरिया सात होगा तो उदासीन सात से जितना कम होगा अम्लियता उतना ज्यादा बढ़ेगा और सात से जितना अधिक होगा क्षारियता उतना अधिक बढ़ेगा दोनों प्रबल होगा सामान्य लवन प्रबल अम्ल होगा तो अम्लीय लवन प्रबल छार होगा छारिया लवन अम्ल और छार दोनों अभिक्रिया करेगा तो लवन और जल का निर्माण करेगा ठीक है एनएससीएल के बारे में अगर हम बात करें आयनिक बंधन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक जल में प्रबल घुलनशील लेकिन कार्बनिक घोलक में अघुलनशील क्वनांक और, और गलनांक उच्च होता है चूंकि यह ठोस अवस्था में पाया जाता है ठीक है आज की कार्रवाई को का हम लोग यहीं रखते हैं कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे थैंक यू वेरी मच नमस्कार